हेलो माय फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ ये लॉकडाउन में बहुत खुश होंगे आप सभी, क्योंकि घर में रहने का मौका कभी कभी मिलता है इस तरह से पूरे फैमिली के साथ और मौज मस्ती करने का। और मैं ये भी बोलूँगा कि हर किसी के पास डेस्टिनेशन होता है और वो डेस्टिनेशन पूरा नहीं होने से सब कोई परेशान है, आप भी और मैं भी और सब कोई, गवर्नमेंट भी, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है क्योंकि हम सारे लॉकडाउन में हैं। हाँ, स्पेशली मैं नीट स्टूडेंट्स, नीट अपियरिंग स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ जो डॉक्टर बनना चाहते हैं और उनके सामने नीट एग्जाम 3 मई को था, लेकिन इसके वजह से, ये कोविड-19 की वजह से हर एग्जाम्स, हर चीज़ें पोस्टपोन्ड होते गया और टाइम एक्सटेंड हो गई। अभी भी ये सर्टेन नहीं है कि एग्जाम्स कब होगा। कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सबके साथ है, हमारे साथ सिर्फ नहीं है। तो बात यह है कि इस सिचुएशन में हम पढ़ाई कैसे करें। बस पढ़ाई वैसे ही करें जैसे हम कल करते थे। डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत रियली लकी हैं। देखिए, पहले मान लीजिए कि आप ये मत डरिएगा कि 15-16 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठते हैं और उस 15-16 लाख में मेरा सिलेक्शन क्यों होगा। बिल्कुल सोचना सही है, हाँ, लेकिन इसके निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दो पहलू है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आपके माइंड में ये जाएगा ही नहीं। आप तो सोच सकेंगे कि हमारा ही होना है, उन लोग किसी का नहीं होगा, और ये फैक्ट है, ऐसा ही होता है। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर आप पढ़ते नहीं और अगर आप सोचते हैं सिर्फ उस सब के बारे में सोचते हैं, आपके माइंड में 15-16 लाख स्टूडेंट्स कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव दिमाग में है, तो आप पढ़ेंगे कहाँ से। आप तो दिमाग उसमें लगा के रखे हैं, आप तो पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि जो हम सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि वो ज्यादा पढ़ रहा है और हमारी नहीं हो सकती, और वो भी यही सोचता है कि वो ज्यादा पढ़ रहा है, हमारी नहीं होगी। हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं। तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप अपने बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। आप अगर अपने बारे में सोचते हैं तो आपकी सुधार होगी, और आपकी सुधार होगी तो आपका फैमिली का सुधार होगा, आपका फैमिली का सुधार होगा तो देश का सुधार हो जाएगा। क्योंकि वन टू अनदर कहा जाता है ना, खुद का सुधार ही देश का सुधार है। बिल्कुल सही सुना और बिल्कुल सही कहा जाता है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है माय डियर। कि मैं जब मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे लगता था कि बहुत टफ है, क्योंकि लोग ने ऐसा इसको हिप्पोपोटामस बना के रखा था, इसको इस तरह से दोस्त, फ्रेंड्स, टीचर्स, एवरीथिंग, ये कंपटीशन इतना टफ है, इतना पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, और रियली इतना मोटी मोटी बुक, सारी बुक्स ला के रख दिया करते थे, यहाँ से क्वेश्चंस बनाओ, उसके पास राइटर्स का, उस दूसरे राइटर, ये तीसरे राइटर, फैकल्टी दूसरे राइटर्स, दिमाग पजल हो जाता था, ये सब कुछ नहीं, भूल जाओ। आपको सोचना बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है। आप अपना सिलेबस को कवर कीजिए और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से, तीनों सब्जेक्ट से आप टारगेट बनाइए कि आपको एवरीडे 200 बायो करना है और 100 केमिस्ट्री करना है और 60 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस फिजिक्स करने हैं। ये तीन टारगेट है, इसको एवरीडे, एनी हाउ, एनी कंडीशन में आपको ये तीन काम करनी है। एवरीडे मतलब 360 क्वेश्चंस करने हैं, न्यू क्वेश्चंस करने हैं, उससे रिलेटेड जो भी डाउट होता है, मान लीजिए जो क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं, उससे रिलेटेड आप नोट्स बनाइए, उससे रिलेटेड आप एक अपना कॉन्साइज कॉन्सेप्ट बनाइए और उसको आप खाली टाइम में पढ़ के उसको रिवीजन में लाइए। आप एवरीडे ये कीजिए, एवरीडे आप पढ़िए और एग्जाम टिल एग्जाम तक पढ़िए, आप बिल्कुल सही रास्ते में जा रहे हैं। आप जिस पैटर्न से नीट एग्जाम होते हैं उसी पैटर्न को आप अपने आप को बनाइए। अगर घर में आप लॉकडाउन है तो आपको ये करना चाहिए कि आपको डेली क्वेश्चंस करिए, आपको 3 आवर्स में उसमें क्या त्रुटि हुई कि आप फिजिक्स पूरे नहीं पढ़ पाए, केमिस्ट्री पूरे नहीं पढ़ पाए, बायो नहीं पूरे पढ़ पाए, या सारे क्वेश्चन को टच नहीं कर पाए, और सारे क्वेश्चन को सॉल्व क्यों नहीं कर पाए। सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए वो अलग बात है, सारे क्वेश्चन को आप टच नहीं कर पाए, सारे क्वेश्चन को आप पढ़ के समझ नहीं पाए उसके क्वेश्चन और ऑप्शन का, ये निगेटिव पॉइंट है। इसलिए इसमें जो प्रॉब्लम आया इसको आपको लिख कर रखना है और उसको नेक्स्ट टाइम नहीं होने देना है, और ये धीरे धीरे मिनिमाइज करके अपने आप को परफेक्ट बनाना है। और दूसरी है, ये आप करते रहिए, आप बहुत अच्छा से क्रैक करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास करेंगे, बहुत अच्छा रैंक आपकी होगी और बहुत अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। जस्ट वन बात अगर एक बार और मैं बोलना चाहूंगा कि बच्चे, आपको सिर्फ आपको पढ़ना है, पढ़ने के अलावा आपके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ, ओके, बाय, थैंक यू।